नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सन स्टार टीवी में। मैं हूं आपके साथ विपुल माहेश्वरी। एक नजर डालेंगे इस वक्त की पांच बड़ी खबरों की तरफ। बात करेंगे केरल की, जहां केरल में लगातार कोरोना संक्रमण के आंकड़े बेकाबू हो चले हैं, जिसके बाद केरल सरकार ने दो दिन के संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। तो वहीं केंद्र सरकार की ओर से भी केरल में विशेष टीम भेजी गई है। दरअसल कोरोना संक्रमण के बेकाबू हालात को लेकर केरल सरकार ने 31 जुलाई और 1 अगस्त को राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है। वहीं केंद्र ने राज्य सरकार की मदद के लिए विशेषज्ञों की एक टीम भेजी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने हाल ही में केरल में मनाए गए ईद को सुपर स्प्रेडर बताया और राज्य सरकार को पत्र लिखा। इसके साथ ही कोरोना निर्देशों का पालन की हिदायत भी दी गई है। आपको बता दें केरल में इस वक्त हालात बेकाबू है। वहीं केरल सरकार ने ईद के दौरान राज्य में लॉकडाउन में ढील दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराजगी जताई थी। लेकिन अब केरल में बेकाबू हालात को लेकर 2 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें एक बार फिर तेज हो गई हैं। दरअसल राहुल गांधी प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद अहम बैठक के बाद सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि प्रशांत किशोर को कांग्रेस का महासचिव बनाया जा सकता है। इस वक्त देश की राजनीति में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें जोर पकड़ रही है। राहुल गांधी प्रियंका गांधी से मुलाकात और उसके बाद अहम मीटिंग के बाद यह माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि राहुल गांधी ने एक बैठक कर प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल करने के लिए पार्टी नेताओं से राय मांगी है। हालांकि सार्वजनिक तौर पर कांग्रेस या फिर प्रशांत किशोर की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन अंदर खाने माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस महासचिव के तौर पर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। देश में वैक्सीनेशन जारी है, लेकिन इस बीच केंद्र सरकार की ओर से एक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें दावा किया गया है कि देश में बिहार में सबसे ज्यादा वैक्सीन वेस्ट की गई है। देश में वैक्सीनेशन जारी है और अभी तक करीब 45 करोड़ लोगों तक वैक्सीन लगने का दावा किया जा रहा है, लेकिन वैक्सीन वेस्टेज का मामला भी चर्चा में है, जहां केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि जुलाई तक सबसे ज्यादा वैक्सीन की बर्बादी बिहार में हुई है। केंद्र सरकार के द्वारा संसद में जानकारी दी गई कि 1 मई 2021 से 13 जुलाई तक देश में करीब 2.5 लाख वैक्सीन की डोज खराब हुई है। जिन राज्यों में वैक्सीन खराब हुई है, जिसमें बिहार, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मणिपुर और मेघालय का नाम है। वहीं बताया जा रहा है कि बिहार में 1 लाख से ज्यादा वैक्सीन की वेस्टेज की गई है। तो वहीं दिल्ली में 19,000, जम्मू कश्मीर में 32,000, मणिपुर में 12,000 और मेघालय में 35,000 और पंजाब में करीब 13,000 और त्रिपुरा में 27 और उत्तर प्रदेश में 13,000 वैक्सीन वेस्ट की गई है। पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने पहली बार कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात की। हालांकि मुलाकात चंडीगढ़ में हुई, जहां इस मुलाकात के बीच आगामी चुनाव को लेकर चर्चा भी की गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस मुलाकात के दौरान सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को चिट्ठी भी सौंपी है। पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार नवजोत सिंह सिद्धू ने सीएम अमरिंदर सिंह से मुलाकात की। चंडीगढ़ में दोनों के बीच लंबी मुलाकात हुई, जहां दोनों नेताओं के बीच आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की गई। वहीं सूत्रों की माने तो कैबिनेट में फेरबदल को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के सामने अपना पक्ष रखा है और इस पर अगला फैसला कैप्टन अमरिंदर सिंह को करना है। अमरिंदर सिंह के साथ मुलाकात में सिद्धू ने एक चिट्ठी भी सौंपी है। चिट्ठी में पंजाब के कई मुद्दों को उठाया गया है। चिट्ठी में उन मुद्दों को भी उठाया गया है जिसको लेकर वे सरकार और सीधे मुख्यमंत्री पर सवाल उठा रहे थे। अब बात यूपी की करेंगे, जहां यूपी में अगले साल चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। इस बीच योगी आदित्यनाथ ने महंगाई भत्ता देने का ऐलान किया है, जहां 27 लाख लोगों को इसकी राहत मिलेगी। योगी आदित्यनाथ चुनाव से पहले कई बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। इस बीच योगी ने केंद्र सरकार के बाद अब यूपी में भी कर्मचारियों को पेंशन और बढ़ा हुआ भत्ता देने का आदेश जारी कर दिया है। इसमें यूपी के 27 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। इसमें 15 लाख राज्य कर्मचारी और 12 लाख पेंशनर्स शामिल है। सीएम योगी ने राज्य कर्मियों पेंशनर्स को कोरोना संक्रमण काल में स्थगित महंगाई भत्ता महंगाई राहत देने का निर्देश वित्त विभाग को दिया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश विदेश के तमाम छोटे बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे सन स्टार टीवी।